यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में सबसे खास बात स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है? उनके माइंड में चलता है कि एग्जामिनर क्या देख के उनको नंबर देता है, कॉपी में क्या देखकर उनकी कॉपी चेक करते हैं, यानी कि तमाम बातें, हर एक प्रकार की बातें माइंड में चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनर जो होते हैं आखिर वो क्या देख के आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपने जो आंसर शीट पे आप जो क्वेश्चन राइट किए रहते हैं उसके आंसर तो क्या देख के वो आपको नंबर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि, लेकिन बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो तीन चीज़ देखते हैं कॉपी में, ठीक है, कॉपी में वो तीन चीज़ देखते हैं एग्जामिनर, यानी कि कॉपी लिखते समय बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे हमें बहुत ही वो महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्जामिनर की बातें आती हैं, तो एग्जामिनर आपके कॉपी में बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, जैसे जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी में सबसे पहले आपको करना क्या है कि वो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक देखते हैं, अंकों में शब्दों में सही लिखा है या नहीं ये सब देखते हैं, फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में राइट किया हुआ देखते हैं, फिर विषय और प्रश्न पत्र देखते हैं, परीक्षा का दिन देखते हैं, तारीख देखते हैं, पाली देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आपका जो कॉपी है उसको यानी चेक करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले अपने बोर्ड एग्ज़ाम में किया क्या करिए। आप जब भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको करना क्या है कि केवल बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आपको जो 30 सेंटीमीटर का जो स्केल आता है वो स्केल को यूज करना है। ये स्केल नहीं, ठीक है, ये तो केवल आपका 15 सेंटीमीटर का आता है, लेकिन आपको छोटी वाली स्केल नहीं बल्कि लॉन्ग वाली यानी लंबी स्केल यूज करनी है ताकि आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लैंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो पेज होता है वो काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग पेज होता है तो राइट करने में आपको आसान भी होगा। तो यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 30 सेंटीमीटर का एक स्केल ले जाना है, और करना क्या है आपको कि नीला और दो काला पेन ले जाना है, ठीक है, नीला व दो काला पेन। दो काला पेन क्यों ले जाना है और दो नीला पेन, क्योंकि अगर एक जवाब दे दे यानी कि एक खराब हो जाए तो दूसरा पेन आपका सुरक्षित रहे, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। दो स्केच ले जानी चाहिए, ठीक है, स्केच से आप कैसे राइट करेंगे हेडिंग ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप मेरे एग्ज़ाम के यानी कि आप मेरे वीडियो पे चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो क्या बातें हैं कि जो प्रवेश पत्र होता है, ठीक है, प्रवेश पत्र जो होता है उसे आप कभी मत भूला करिए। जो आपका जो प्रवेश पत्र मिलता है जिसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, वो बिल्कुल जाते वक्त आप अपने बैग में चेकिंग कर लिया कीजिए पॉकेट में, ताकि आपका प्रवेश पत्र है या नहीं, क्योंकि उसी प्रवेश पत्र में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें उनका खुद का रोल नंबर नहीं पता होता है और वो उसी में से रोल नंबर देख के राइट करते हैं, इसलिए आपको प्रवेश पत्र ज़रूर लेकर जाना होता है, ठीक है, और उसी में से आपको प्रवेश पत्र में से आपको रोल नंबर देख के राइट करना होता है, इसलिए आप कभी मत भूलिएगा वरना आपको ऐसे ही जीरो में जीरो में ज़रूर मिलेगा। होना चाहते हैं अगर आप पूरे सब्जेक्ट में पास तो मेरे सारे रूल को फॉलो करके जाइएगा, 100% है कि आपको पूरा के पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे बताए हुए रूल को ऐसे कीजिए, तैयारी मिलेंगे पूरे के पूरे नंबर, टारगेट होगा आपका पूरा यानी 99%, 98%, 100% पूरा के पूरे नंबर आपको पक्का मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास केवल एक महीने का टाइम है, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, इसलिए प्लीज़ आपके इम्पोर्टेंट टाइम को गवाइए मत, पूरा का पूरा आप ध्यान अपने पढ़ाई में लगाइए, बाकी टाइम तो टाइम पास करने के लिए है ही। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बताने कि एग्जामिनर आपके कॉपी में आखिर देखकर क्या नंबर क्या देते हैं। बहुत सारे रूल होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, बट आप बार बार केयरलेस हो जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी जो आपके लिखने का तरीका होता है वो सही होना चाहिए। अगर आपके लिखने का तरीका अच्छा हो तो आपको 2 नंबर 10 नंबर यानी के सारे मिलेंगे, अगर आपको लिखने का तरीका गलत है तो यही आपका
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यानी 0/0 मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको लिखने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। मैं अपनी वीडियो में डाल चुकी हूँ लिखने का तरीका, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बातें आती है कि हेडिंग सही हो, क्या हो सही हो, जो आपकी हेडिंग होती है वो सही होना चाहिए, यानी कि लिखने के तरीके के साथ साथ आपका हेडिंग भी अच्छा होना चाहिए। जितने टॉपिक से जितने मन लगा के अगर आप हेडिंग लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। क्वेश्चन का नंबर सही हो, अगर दूसरा, दसवां, पाँचवा, पहला, दूसरा या फिर कुछ भी सही है क्वेश्चन, तो उसका जो नंबरिंग है यानी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां, सारा का सारा नंबरिंग सही हो तो जाके वो एग्जामिनर आपका सही से कॉपी चेक कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड कॉपी लिखते समय आप कभी भी ये भूलकर 3 गलती मत करिएगा, वरना एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा, पूरा 0/0 दे के आपको पूरा का पूरा यानी कि आपको फेल कर देगा, ठीक। तो पहला आपको क्या बातें ध्यान देनी है, कवर पेज शुद्ध एवं अच्छे लिखावट से भरें। जो आपका जो कवर पेज होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके ये पेजेस मिल जाते हैं एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के जो आंसर शीट मिल जाते हैं, इसमें कोई कटपिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लीन कॉपी होनी चाहिए। केवल आंसर टू आंसर राइट करना है, हिंदी आपको क्वेश्चन राइट नहीं करना है, ठीक है। इसलिए सारा का सारा शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी कटपीट नहीं होनी चाहिए। अगर लिखावट अच्छी रहे, अगर आपको कुछ भी राइट करने नहीं आता है तो भी आपको एग्जामिनर अच्छे के अच्छे नंबर दे सकते हैं, केवल आपके लिखावट पे यानी लिखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। सुंदर लिखावट, नेक्स्ट बातें आती हैं कि सुंदर लिखावट। अगर मैं फ्रेंड्स बता दूं आपको कि अगर आपके लिखने का जो तरीका है अगर वो झकास है यानी कि गजब का, अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा है तो आपको नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर पूरे टारगेट के साथ मिल सकते हैं और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं अगर आपकी लिखावट अच्छे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं लिखने आपको बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि आपका लिखावट जो होता है वो सुंदर होना चाहिए। सेकेंड आते हैं, ठीक है, शुरू के 3 लाइन को शुद्ध एवं स्वच्छ तथा कटपिट न करें, यानी कि 3 लाइन मतलब कि 3-4 पेज जो होते हैं आपके कॉपी के, बोर्ड कॉपी के जिसपे आंसर शीट राइट किया जाता है, वो पेज बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए यानी साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ होना चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। अगर ये सब अगर आपके कॉपी में आप खूबियां मिल गई तो एग्जामिनर आंख बंद करके आपको नंबर अच्छे के अच्छे नंबर दे देगा। अगर ये सब रहा, अगर स्टार्टिंग में ही आपके कॉपी पे कटपिट 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 होने लगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 0/0। अगर ये पाना है तो अच्छी बात है, कटपिट करिए, अशुद्ध कॉपी रखिए, ठीक है। अगर आपको पूरे के पूरे 100 में 99 नंबर लाना है तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, कॉपी शुद्ध रखनी पड़ेगी, बहुत सारी बातों का ध्यान भी देना पड़ेगा।